चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। चिकन की बात करें या करें मीट की, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। जिन्हें नॉन वेज खाने का शौक होता है वो चाहते हैं कि दिन भर यही खाते रहें। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब ये नॉन वेज माफियाओं ने लोगों को नकली मीट एंड चिकन खिलाने का मन बना लिया है। दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में सबसे ज्यादा नकली चिकन एंड मीट मिलता है, जिसे आप खाते हैं और आप हो जाते हैं बीमार। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ये मीट माफिया आपकी लाइफ के साथ खेल कर रहे हैं, कैसे ये आपसे पैसा लेकर आपको ही मीट के नाम पर जहर बेच रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आपको भी कभी नॉनवेज खाने के बाद पेट में दर्द होता है? क्या आपको भी कभी जरूरत से ज्यादा नींद आती है? क्या आप भी कभी बात बात में गुस्सा हो जाते हैं? अगर है तो समझिए कि आपका खाना ठीक नहीं है। जी हाँ, आप इस बात को मान लीजिए कि अगर आप में ये लक्षण आ रहे हैं, अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, तो तय है कि आप भी नकली मीट का इस्तेमाल करने लगे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका वजन अचानक ही बढ़ता चला जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके किसी एक अंग में लगातार खुजली रहती होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये सब नकली चिकन एंड मीट खाने की वजह से ही होता है। आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है, तो उसके पीछे भी मीट एंड चिकन में मिलावट ही कारण है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं उसके पीछे की सारी सच्चाई। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। आपको सबसे पहले बता दें कि चिकन के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है। जी हाँ, होता यह है कि जब आप चिकन खाते हैं तो उस समय तो बहुत मजा आता है, लेकिन ये सब के सब इंजेक्टेड होते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि सब के सब इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। इसी की वजह से कई तरह के शरीर में बीमारियां होती हैं। वही हाल मीट के साथ भी है। जी हाँ, कहा जाता है कि ये मीट है, लेकिन उसमें मिला होता है कुत्ते और बिल्लियों का मांस। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि आज के दिन में मार्केट में कुछ भी प्योर नहीं है। जी हाँ, अगर आपको कुछ प्योर चीज मिल रहा है तो समझिए कि आप किस्मत वाले हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी कंपनी भी कर रही है फ्रॉड। ये हम आपको बताते हैं। सबवे का चिकन। सबवे का चिकन शायद चिकन नहीं है, ये हम नई सीबीसी मार्केट प्लेस की रिपोर्ट कह रही है। हाल ही में सीबीसी मार्केट प्लेस ने एक पड़ताल की थी, जिसमें पता चला है कि सबवे के चिकन सैंडविच में जो चिकन इस्तेमाल होता है ना, उसका सिर्फ 42.8% हिस्सा ही चिकन होता है। सबवे की सबसे फेमस डिश है सैलेड चिकन, जिसके बारे में सबवे दावा करता है कि वो रोस्टेड चिकन के जितना ही हेल्दी है, जबकि सैलेड चिकन में भी केवल 53.6% ही चिकन होता है। दरअसल मार्केट में पाए जाने वाले चिकन में कभी कभी आधा हिस्सा भी चिकन नहीं होता है। दोस्तों, लेकिन चिंता करने का विषय ये नहीं है कि आधा भी हिस्सा चिकन होता है या नहीं होता है, बल्कि चिंताजनक बात यह है कि बाकी का हिस्सा होता क्या है। असल में वो जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोय प्रोटीन होती है, जो कंपनी को बेहद सस्ती पड़ती है और कंपनियां उन्हें खरीद कर चिकन की जगह में परोसते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सोय प्रोटीन काफी अनहेल्दी होते हैं। सीबीसी मार्केट प्लेस ने जो जांच की थी, उसमें मालूम चला था कि सबवे के सैंडविच में 50 से ज्यादा ऐसी चीजें मिली होती हैं। इनमें से 16 चीजें तो चिकन में ही मिली पाई गईं। सबवे के उत्पादों का ये परीक्षण कनाडा की ट्रेंट यूनिवर्सिटी की वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए लैब में किया गया था। हैरानी की बात है कि मार्केट में जो सबवे से मुकाबला करने वाली दूसरी कंपनियां हैं, उनके उत्पादों में 85-90% तक चिकन पाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन नकली चिकन से बचे कैसे। मीट खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि वो मीट कहां से आया है, यानी किस जानवर का वो मीट है। कहीं वो मीट किसी बीमार जानवर का तो नहीं है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उस मीट के बारे में सारी डिटेल अवश्य लें। याद रखें, आप जहां से भी मीट लें तो आप चेक करें कि वो दुकान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से प्रमाणित हो। खुशबू चेक करें। मुर्गे के मांस में कुछ खास तरह की खुशबू नहीं होती है, कभी कभी उसमें से अजीब तरह की सुगंध आती है, लेकिन रेड मीट में एक खास तौर की सुगंध आती है। आपको बता दें कि ताजे मीट में कभी किसी तरह की तीक्ष्ण खुशबू नहीं आती है। तो सबसे पहले मीट का रंग चेक करें। दोस्तों, मांस के रंग से उसकी ताजगी का पता चल जाता है। मुर्गे का मीट सफेद या हल्का गुलाबी रंग का होता है। मांस पर हरे रंग के धब्बे नहीं होने चाहिए और ना ही ब्लड के थक्के होने चाहिए। अगर हम रेड मीट की बात करें तो वो चटक लाल रंग का होता है। अगर उसमें हवा भरी गई है तो वो हल्का भूरा हो जाता है। ये भी एक अच्छी क्वालिटी का मांस होता है और इसे आप लंबे समय तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं। टेक्सचर चेक करें। पोल्ट्री मीट में मसल्स फाइबर साफ साफ दिखने चाहिए और जब आप मीट को छुएं तब वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें से पानी निकलना चाहिए। जब उसे काटा जाए तो रेड मीट की चर्बी का रंग पीला नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का मीट है तब आप समझ लें कि वो ताजा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।